बाप बेटी के पास पैसा क्या आ गया? दूसरों को इंसान ही नहीं समझते, इतना काम करवाते हैं। अरे सुबुल, तुम ऑफिस से सीधे नेक्स्ट से आ गए? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। आज ऑफिस में बहुत काम किया यार, बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, ये चाबी। ये किसकी गाड़ी की चाबी है? डैड ने तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू कार ली है, जिसे तुम ख्वाबों में भी नहीं पा सकते। कार मेरे लिए? यस, अनफॉर्चुनेटली तुम डैड के दामाद बनने वाले हो, सो या। कहाँ जा रहे हो? यार अंकल ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया है, एटलीस्ट मैं जाके उनको थैंक्स तो बोलूं। बाद में बोल देना, फिलहाल उनके कुछ गेस्ट आए हैं, वो बिजी हैं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम लॉन्ग ड्राइव पे चलें तुम्हारी ब्रांड न्यू कार में। मुझे क्यों एतराज होगा सिंपल, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तुम्हें कह रही हूँ मेरे साथ चलने के लिए, चलो। हाँ। Let's go. चल। Here you go. तब्रेज, मुझे लगता है कि शादी की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। क्या? You know, डैड कह रहे थे कि वो हमारी शादी जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं। सच कह रही हो सोमबुल? एक ही दिन में कितने सरप्राइजेस दोगी यार? Well, डैड ये भी कह रहे थे कि तुम्हें अपनी फैमिली को बताने की जरूरत नहीं, वो फजूल में इशू क्रिएट करेंगे, तुम्हें प्रेशराइज करेंगे, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। So you don't need to tell them, okay? क्या सोच रहे हो? मेरी बात पसंद नहीं है? नहीं, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन सुंबल, वो मेरे घर वाले, उन्हें बगैर बताया अगर मैं तुमसे शादी करूंगा, बाद में अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो लोग बहुत प्यार करते हैं यार मुझसे। Well, ये सब कुछ तो तुम्हें करना होगा तब्रेज, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम्हारी फैमिली वाकई तुमसे मोहब्बत करती है तो उन्हें सिचुएशन को समझना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी बेहतरी किस में है, राइट? अब चलें। चलो बैठो। थैंक यू।